हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं हूँ भाई अभिमन स्कूल पे। और जो कल मैंने जो आपको बात बताई थी, वो जो कॉइल की, अगर आपकी मशीन आगे पीछे ना हो रही, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी कॉइल है इसके अंदर, क्योंकि उसके लिए ना ये मशीन ऊपर उठानी पड़ेगी। वही पहले मशीन को स्टार्ट करके और फिर ऊपर उठाते एक बार, उसके बाद मशीन के नीचे घुस के, और उसके बाद फिर बताऊँगा ये कौन सी कॉइल है। क्योंकि मेरा यहाँ से ये जो केबिन के अंदर जो मैट है ना, ये पूरा फुल मैट है। यहाँ से जो इसका जो बॉक्स होता है वो यहाँ पे है बीच में, तो फिर ये मैट अब हटाना बहुत मुश्किल है। मैंने उठा दिया ऊपर, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी कॉइल है। जैसे आप ये नीचे घुसोगे मशीन के अंदर बीच में, तो ये है हमारा गियर बॉक्स इसका, ठीक है। इसकी जो कॉइल है ना, वो आपको ये वाली जो कॉइल है ये दिख रही है आपको, ये एक ये और एक इसके बिल्कुल साइड में कॉइल, ये दोनों आगे, एक तो फॉरवर्ड की है और एक रिवर्स की है, ठीक है। तो ये आपको दोनों खोलनी है कॉइल। ये जो बिल्कुल फ्रंट में है ये कॉइल, ये वाली यहाँ से ये दिख रही होगी आपको, ये तो ये आपको खोलनी है दोनों कॉइल, और उसके बाद ये पेट्रोल से साफ होगी ये, ठीक है। और फिर इनको आप एक बार इसके अंदर डाल के मशीन में, और फिर आपको एक बार चेक कर लेना इनको। तो भाई इस मशीन का जो कि ना वो पिन बुश का जो काम है ना, मतलब आप ये बता रहे हो कि केपीसी से, और जो ये बैक होगा जो बकेट होता है यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 पिन, 1 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 पिन है इसके अंदर, मतलब यहाँ से और यहाँ तक 15 पिन है इसके अंदर पूरे में, बूम भी और ये इसमें केपीसी भी है और ये भी है। तो आपके पास मैं बताऊँ, ये वाली जो पिन है ना भाई, ये तो आपकी आई ओरिजिनल पिन, बिल्कुल ओरिजिनल पिन ही इसके अंदर काम देगी इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप ये तो आप कोई सी भी डाल दो इसके अंदर, तो इनमें कोई इतनी वो नहीं होती, बस हम ग्रिस का अपना ध्यान रखो इसके अंदर, तो ठीक है। बाकी जो ये वाली जो पिन है ना, ये मेन पिन है इसकी, और एक जो बकेट वाली जो मेन पिन है, ये दोनों पिन आप ओरिजिनल डालो इसके अंदर। अभी भी आप मान लो कि 15 से 17 हज़ार के बीच में आपकी ये पूरा जो इसका पिन बुश का काम है, मतलब ये भी मिला के दोनों पिन के पी सी के, ये पूरी जो है ये बुश भी इसके, तो इतने में आपको हो जाएगा ये काम मेरे हिसाब से तो। और एक और बात कि भाई, अगर आपकी मशीन उससे भी वो नहीं हो रही, आगे पीछे ना चल रही, तो आप एक बार जो जो इसका फ्यूज बॉक्स होता है ना, उसके अंदर ही इनकी रिले होती है, जो गियर बॉक्स की रिले होती है, उनको आप एक बार चेक कर लो। कई बार उनमें कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से ये चलना बंद हो जाती है बीच में ही, ठीक है। तो उनमें रिले में भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। भाई अभी इसको है ना, हमने उस स्टोर रूम के जो स्पेयर पार्ट है, अभी इनको एक मतलब इनमें फिक्स करेंगे, पूरा जो सामान है बिखरा हुआ है बिल्कुल, ये फिल्टर रखे यहाँ पे, ये तो अभी इनको फिक्स करेंगे जगह पे, पूरा बिखरा हुआ है ये सामान यहाँ पे, ठीक है। जो सील थी हमारी, जो मशीन के सिलेंडर की जो पुरानी पुरानी सील से, इनमें भी कई बार ऐसा होता कि ये काम आ जाती है, ठीक है। तो इनको भी हम रखेंगे वाले में गेर दे उर्ली में, मटर की फली तो आ गया ना, दाना ना आया अभी से, साफ किया अभी अभी। इसके अंदर पूरा जो सामान था हमारा, ये पूरा बिखरा हुआ पड़ा था ये सारा, ये अल्टरनेटर रखे हमारे पास स्पेयर पार्ट के अंदर, कि अगर वो अल्टरनेटर ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर्ड है पूरे, सेल्फ भी है और अल्टरनेटर भी है, ठीक है। तो वो उतार के और ये बदलनी है, बस इतना काम होता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है इनका, अलग अलग अपना स्पेयर पार्ट रखने का।
ये इसकी नहीं है, ये ट्रैक्टर के जो फिल्टर रखे हुए जो सर्विस के लिए, और ये जो है मशीनों के, दोनों मशीनों के एयर फिल्टर है इसके अंदर, इनमें ठीक है। स्पेयर पार्ट यहाँ पे बिखरा हुआ था पूरा, यहाँ पे पूरा हमने साफ किया यहाँ से, ये पूरा जो सामान उठा के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद ये पूरी जगह खाली होगी पूरी। ये हमारे पास जो शीशे रखे हुए, जो पहले जो मशीन आती थी 2007-08 साल में, ठीक है, तो वो उसके शीशे रखे हुए, ये खिड़की भी है, शीशे भी है, जो पूरे इंपोर्टेड ग्लास है, मतलब स्पेयर पार्ट के लिए ये रखा हुआ है। रेडिएटर भी है, ये भी है, इसकी डीजल वाली टंकी भी रखी हुई है टैरेक्स की, ठीक है। तो भाई ये सामान रखा हुआ है, सिलेंडर भी रखे हुए हमारे पास टैरेक्स के ही, ये देख लो ये पड़े। अब मशीन का अगर कुछ भी वो प्रॉब्लम होती है, ये सील वो हो जाती है, तो ये यहाँ से उठा के और उसके अंदर बदल दे, सिर्फ इतना काम हो, फिर उनको आराम से रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे अपने आराम से बैठ के। तो भैया जी मैं जा रहा हूँ वहीं पे, ये जहाँ वो तालाब बन रहा है ना हमारा, वहाँ पे कुछ पत्थर डाल के आने हैं, जहाँ पे कल डाल के आया था मैं, तो वहाँ पे वो पत्थर डालने, उसके अंदर जो स्लोप है ना वहाँ पे। अभी गर्मी हो रही भयंकर वाली, और ये पंखा भी इसका फ्यूज खराब हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको आके करूँ सही, इसको फ्यूज डालना पड़ेगा इसके अंदर दूसरा। तो चलते हैं, अभी मैं अभी आपको मिलता हूँ वहीं पे ही। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे साइट पे, और ये पत्थर डाल रहे हैं आगे से, ठीक है। ये पत्थर पड़े नहीं, ये सारे पत्थर डालने इसके अंदर, ये जो स्लोप बना रहे हैं ना वहां से, वो वाला स्लोप और वो वाला स्लोप रह रहा है वहां से कोना, और वो वाला पूरा स्लोप वहां पे डालने पत्थर ये, ठीक है। तो भाई पत्थर मैंने डाल दिए यहाँ पे, ये तो वो वाले, अभी इनका काम जो है बंद हो गया है। एक तो वो वाले वो डाल रखे वहाँ पे, और अभी मैं डाल रहा हूँ इस वाली साइड आगे। तो अभी है ना ये वाला, एक तो ये कोना रह गया है, यहाँ से मिट्टी उठा उठा के, और यहाँ पे स्लोप सा बनाना है, ये बिल्कुल आखिरी में बनेगा, पहले वो वाला काम है ना, वे वाला पूरा होगा वो वाला साइड का, उसके बाद फिर ये वाला काम होएगा आगे, ठीक है। बस और ना डालना है। तो भाई आज का व्लॉग था बस इतना ही, मैं वो काम हो गया पूरा वहां पे, अभी कल अगर उनका फोन आएगा तो मैं फिर से जाऊंगा कल, ठीक है भाई। मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल पे अपने, और अभी शाम भी हो रही है पूरी, बिल्कुल रात होने वाली है। तो मिलता हूँ आपको कल एक और व्लॉग के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो मशीन में, तो भाई बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, मिलता हूँ मैं अभी आपको कल।